हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम लोग बात करने वाले हैं मिस स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस के टॉपिक की। सबसे पहले जरा ये जान ले कि प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, और उसके बाद जरा जानते हैं कि मिस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले प्रॉस्पेक्टस, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 70 ऑफ द कंपनीज एक्ट, एंड दिस इंक्लूड्स रेड हियरिंग एंड शेल्फ प्रॉस्पेक्टस, राइट? तो 31 में शेल्फ प्रॉस्पेक्टस, 32 में रेड हियरिंग प्रॉस्पेक्टस, उसे भी इंक्लूड करता है ये प्रॉस्पेक्टस का सेक्शन जो 2 क्लॉज 70 में गिवन है। सबसे पहला सवाल तो ये आया कि प्रॉस्पेक्टस का मीनिंग क्या होता है। हमने पहले भी बात की थी इस बारे में। प्रॉस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट है जिसको पढ़कर इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं कोट करूँगा। हम किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में, इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, और इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए हमें वहाँ से एक डॉक्यूमेंट मिलता है, एक बुकलेट मिलती है, उसी बुकलेट को प्रॉस्पेक्टस हम कह सकते हैं। जब कोई भी बड़ी कंपनी जब पब्लिक एट लार्ज से जब पैसा लेती है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, तो वो कंपनी भी एक डॉक्यूमेंट इशू करती है, और उसी डॉक्यूमेंट को प्रॉस्पेक्टस कहते हैं। और इसमें कंपनी के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक होना जरूरी है। दिस इज मैंडेटरी। और ये मैंडेटरी किसने किया है, ये मैं आपको बता दूं कि ये सेबी गाइडलाइंस में भी लिखा हुआ है और कंपनीज एक्ट में भी लिखा हुआ है। तो कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन 26 है जिसने डिफाइन किया है कि प्रॉस्पेक्टस के कंटेंट क्या क्या होने चाहिए। अब प्रॉस्पेक्टस में एक होता है स्टेटमेंट और एक होता है मिस स्टेटमेंट। देखिएगा, स्टेटमेंट और दूसरा क्या लिखा मैंने, दूसरा आगे लिखा हुआ है मिस स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट और मिस स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है? तो मिस स्टेटमेंट बेसिकली मींस कि प्रॉस्पेक्टस में जो इंफॉर्मेशन है, उस प्रॉस्पेक्टस में जो इंफॉर्मेशन है, दैट इंफॉर्मेशन इज मिसलीडिंग। या तो वो इंफॉर्मेशन मिसलीडिंग है, या वो इंफॉर्मेशन क्या है, या वो इंफॉर्मेशन है फॉल्स, और वी कैन से दैट इंफॉर्मेशन इज अनट्रू। वो इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है, या तो वो इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है, या फिर सप्रेशन ऑफ एनी मटीरियल फैक्ट, यानी कि किसी मटीरियल फैक्ट का नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एनी मटीरियल फैक्ट। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मटीरियल फैक्ट। मटीरियल का मतलब इंपॉर्टेंट फैक्ट का डिस्क्लोजर नहीं है, इमटीरियल चलेगा। इमटीरियल है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो फैक्ट क्या हो, इमटीरियल हो, मिसलीडिंग हो। बेसिकली कहने का मतलब ये होता है कि प्रॉस्पेक्टस के बेसिस पे ही हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और अगर वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं हुई तो इससे इन्वेस्टर को लॉस हो सकता है। तो अगर इन्वेस्टर को लॉस होगा तो वो कंपनी से क्लेम करेगा और कंपनी को बोलेगा कि मैंने जिस डॉक्यूमेंट को पढ़ के आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया था ना, उस डॉक्यूमेंट में इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं थी। तो हर कंपनी से ये एक्सपेक्टेशन है कि उसके प्रॉस्पेक्टस में दी गई सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही हो। इसी को लेकर एक प्रिंसिपल है और इसी को लेकर एक रूल है जिसका नाम है गोल्डन रूल ऑफ फ्रेमिंग प्रॉस्पेक्टस। सर, इस गोल्डन रूल का मीनिंग क्या होता है? देखिए जरा, गोल्डन रूल ऑफ फ्रेमिंग प्रॉस्पेक्टस का मीनिंग क्या होता है? गोल्डन रूल एक बेसिकली एक ऐसा रूल है, एक कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरी है, जो ये कहता है कि प्रॉस्पेक्टस में सारी की सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट हो। प्रॉस्पेक्टस का सारा जो कंटेंट्स है या जो भी इंफॉर्मेशन है, दैट इंफॉर्मेशन शुड बी करेक्ट। वो इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से ठीक हो, जिसमें फुल डिस्क्लोजर हो।
अबाउट दी कंपनी। सारी बातें ठीक ठीक बताई हूं, कंपनी के बारे में किसी भी तरीके का कोई झूठ ना बोला गया हो तो उसे कहा जाता है गोल्डन रूल ऑफ फ्रेमिंग प्रॉस्पेक्टस, क्योंकि इसके बेसिस पे लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो चलिए मैं आपके साथ कुछ केस स्टडी डिस्कस करता हूं। जिस केस स्टडी का मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला हूं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रियल लाइफ में ये बहुत अच्छी केस स्टडी है, क्योंकि ये केस स्टडी अभी तक किसी भी बुक में आई नहीं है। ये केस स्टडी है डीएलएफ की। डीएलएफ जो इंडिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज में से एक कंपनी है। 2007 के आसपास जब डीएलएफ का आईपीओ आया था, डीएलएफ का पब्लिक इशू आया था, तब डीएलएफ ने अपने पब्लिक इशू में, अपने प्रॉस्पेक्टस में, अपनी एक एसोसिएट कंपनी को, अपने ही ग्रुप की कंपनी को प्रॉस्पेक्टस में शो नहीं किया था। यानी कि कंपनी के प्रॉस्पेक्टस में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि उस एक पर्टिकुलर कंपनी का डीएलएफ ग्रुप के साथ कोई कनेक्शन है। लेकिन बाद में जब इन्वेस्टिगेशंस हुई तो इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चली कि डीएलएफ ने अपनी एक कंपनी के बारे में अपने प्रॉस्पेक्टस में किसी भी तरीके का डिस्क्लोजर नहीं किया था। तो मामला कोर्ट में गया, और जब मामला कोर्ट में गया तो डीएलएफ के प्रमोटर्स को 3 साल के लिए मार्केट से बैन कर दिया गया। उसके बाद इस केस में अपील हुई, और उसके बाद में उनका जो पनिशमेंट था वो कम कर दिया गया। तो केपी सिंह जो डीएलएफ ग्रुप के डायरेक्टर हैं, केपी सिंह और उनकी फैमिली जो है वो इस केस में मेजरली उन्हीं का नाम इस केस में आया था। तो सेबी के अगेंस्ट में ये केस था, फिर ये मामला सैट में गया। तो क्वेश्चन क्या राइज हुआ कि जब कंपनी का पब्लिक इशू आया था तो कंपनी ने अपनी एक ग्रुप कंपनी का डिस्क्लोजर अपने प्रॉस्पेक्टस में नहीं किया था, और इसीलिए कंपनी की लायबिलिटी, और कंपनी के प्रमोटर्स की लायबिलिटी क्या हो गई, अराइज हो गई। तो प्रॉस्पेक्टस में कोई भी चीज़ गलत ना बताई जाए, प्रॉस्पेक्टस में सारी इन्फॉर्मेशन हो जो सेबी ने डिफाइन करी है, प्रॉस्पेक्टस में वो सारी इन्फॉर्मेशन हो जो सेक्शन 26 में डिफाइंड है, जैसे कि ऑडिटर्स रिपोर्ट प्रॉस्पेक्टस में होनी चाहिए, कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पूरा डिस्क्रिप्शन कंपनी के प्रॉस्पेक्टस में होना चाहिए, कंपनी के प्रमोटर्स, प्रमोटर्स की प्रोफाइल, ग्रुप कंपनीज, पास्ट रिकॉर्ड्स, अगर कंपनी के ऊपर कोई केसेस पेंडिंग है तो ये भी लिखा होना चाहिए कंपनी के प्रॉस्पेक्टस में। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है मिस स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस का, जिसकी बात अभी हम लोग करने वाले हैं। तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है रैक्स वर्सेस किल्सेंट का। इस केस में क्या हुआ सर, देखिए इस केस में एक कंपनी ने अपना प्रॉस्पेक्टस इशू किया, राइट, एक कंपनी ने अपना प्रॉस्पेक्टस इशू किया, और प्रॉस्पेक्टस इशू करने के बाद उस प्रॉस्पेक्टस में कंपनी ने क्या लिखा, कंपनी ने अपने प्रॉस्पेक्टस में लिखा। ये केस 1930 के आसपास का केस है। कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस में लिखा कि कंपनी ने पास्ट में डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं। तो प्रॉस्पेक्टस में ऐसा लिखा हुआ था कि पास्ट में डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं। डिविडेंड डिक्लेयर तो कंपनी ने किए थे, लेकिन सोर्स ऑफ डिविडेंड के बारे में देयर वाज नो इंफॉर्मेशन। लेकिन कंपनी ने सोर्स ऑफ डिविडेंड के बारे में किसी भी तरीके का कोई डिस्क्लोजर नहीं किया था। कंपनी ने क्या कहा, कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस में लिखा कि हमने पास्ट में डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं, लेकिन सोर्स ऑफ डिविडेंड के बारे में देयर वाज नो इन्फॉर्मेशन, कुछ क्लियरिटी नहीं थी। अब जरा सोचिए, आप किसी कंपनी का प्रॉस्पेक्टस पढ़ते हैं और कंपनी के प्रॉस्पेक्टस में लिखा होता है कि कंपनी ने पास्ट में डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो आप सोचेंगे हाँ, इस कंपनी के शेयर्स खरीदने में फायदा है, और हो सकता है कि आप उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि आपने देखा है कि उस कंपनी ने पास्ट में डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं, अब इस केस में भी ऐसा ही हुआ। इस केस में इन्वेस्टर ने कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट तो कर दिया, लेकिन बाद में ये बात पता चली कि जो डिविडेंड डिक्लेयर किया गया था उसका सोर्स क्या था, डिविडेंड का सोर्स था कंपनी के
फ्री रिजर्व्स एंड नॉट प्रॉफिट. प्रॉफिट उसका सोर्स नहीं था, नॉट प्रॉफिट, क्योंकि कंपनी को, क्योंकि उसी कंपनी को प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में लॉसेस हुए थे, क्योंकि उसी कंपनी को प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में लॉसेस हुए थे, इसलिए ये कहा गया कि कंपनी ने अपने प्रॉस्पेक्टस में डिस्क्लोजर तो किया, बट वो डिस्क्लोजर ना पार्शियल डिस्क्लोजर था, दैट वाज नॉट फुल डिस्क्लोजर अबाउट द इंफॉर्मेशन. अगर प्रॉस्पेक्टस में ऐसे लिखा होता कि हाँ जी कंपनी ने पास्ट में डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं लेकिन वो फ्री रिजर्व में से डिक्लेयर किए हैं क्योंकि कंपनी को लॉस हुआ था, तो ये इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से करेक्ट होती और ये इन्फॉर्मेशन गोल्डन रूल ऑफ फ्रेमिंग प्रॉस्पेक्टस के अकॉर्डिंग ही होती. लेकिन यहां इन्होंने क्या लिखा, यहां लिखा पास्ट में डिविडेंड डिक्लेयर किए हैं बट द सोर्स ऑफ डिविडेंड वॉज नॉट डिस्क्लोज्ड. सो इस केस में कंपनी के एमडी को, कंपनी के एमडी एंड कंपनी के चेयरमैन को लायबल ठहराया गया. किसके लिए? मिस स्टेटमेंट इन प्रॉस्पेक्टस के लिए उनकी लायबिलिटी यहां फिक्स की गई. जैसे डीएलएफ का केस हमने देखा, डीएलएफ का रीसेंट एग्जाम्पल है और आपको जो एग्जाम में कोट करना है, एग्जाम में आप ये वाला केस लॉ कोट कर सकते हैं. अब जरा बात करते हैं कि सर अगर शेयर प्राइमरी मार्केट से ना खरीदा हो, शेयर सेकेंडरी मार्केट से खरीदा हो. सर प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ये क्या होता है? तो जरा देखिएगा, अगर मैं शेयर डायरेक्टली किसी कंपनी से खरीदता हूं, जिस कंपनी के शेयर्स में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर मैं शेयर डायरेक्टली उस कंपनी से ही खरीदूं तो उसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट. और अगर मैं उसी कंपनी के शेयर किसी इंडिविजुअल से खरीदूं, बाहर मार्केट से खरीदूं, ना कि कंपनी से, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट. याद रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, फ्लिपकार्ट पे हमेशा नए प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वैसे ही कंपनी जब शेयर देती ना तो शेयर नए नए होते हैं जो कंपनी आईपीओ में लाती है. तो जब हम किसी कंपनी से शेयर खरीदते हैं तो वो शेयर बहुत आते हैं किसमें? प्राइमरी मार्केट में. और ओएलएक्स एक वेबसाइट है जिसपे हम सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उसे हम किसका नाम देंगे? सेकेंडरी मार्केट का एग्जाम्पल है स्टॉक एक्सचेंज, जहां एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर अपने शेयर्स बेचते हैं. तो फ्लिपकार्ट प्राइमरी मार्केट का एग्जाम्पल हो गया और ओएलएक्स सेकेंडरी मार्केट का एग्जाम्पल हो गया. ये सिर्फ याद करने के पर्पज से है. तो जब कोई कंपनी अपने शेयर खुद इशू करती है पब्लिक को, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट. और जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर स्टॉक एक्सचेंज में बाकी लोगों को अपने शेयर बेचते हैं, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट. यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, पीक वर्सेस गुड़ने का. इस केस में कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इशू किया, कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इशू किया, प्रॉस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट भी था. कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इशू किया, जो प्रॉस्पेक्टस कंपनी ने इशू किया उसमें मिस स्टेटमेंट भी किया. लेकिन जरा देखिए, इस मिस स्टेटमेंट की नॉलेज, इस मिस स्टेटमेंट की नॉलेज एक मिस्टर एक्स जो इन्वेस्टर थे, उनको इस मिस स्टेटमेंट की नॉलेज थी, लेकिन एक दूसरे इन्वेस्टर जिनका नाम था मिस्टर वाई, जिन्हें इसकी कोई भी नॉलेज नहीं थी. सो यहां दो इन्वेस्टर थे, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई. तो जिनको नॉलेज थी, जिस इन्वेस्टर को नॉलेज थी कि कंपनी के प्रॉस्पेक्टस में कई बातें गलत लिखी हुई हैं, ही डिसाइडेड नॉट टू इन्वेस्ट. उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस कंपनी के पब्लिक इशू में इन्वेस्ट नहीं करूंगा. लेकिन मिस्टर वाई, यहां मिस्टर वाई है. सो मिस्टर वाई, ही डिसाइडेड कि मैं इन्वेस्ट करूंगा. सो मिस्टर एक्स ने डिसाइड किया कि मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन मिस्टर वाई ने डिसाइड किया कि वो इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें मिस स्टेटमेंट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी. आप देखिए क्या हुआ, जब कंपनी के शेयर्स की लिस्टिंग हो गई
तो उसके बाद मिस्टर एक्स ने सेकेंडरी मार्केट का मतलब क्या होता है सर? सेकेंडरी मार्केट का मतलब होता है स्टॉक एक्सचेंज। अब मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से सेकेंडरी मार्केट से शेयर्स कर लिए बाय। यानी कि उन्होंने कंपनी के प्रोस्पेक्टस को पढ़ के कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, उन्होंने शेयर किसी और से एक्वायर किए हैं, और वो भी कब? जब कंपनी का प्रोस्पेक्टस आ चुका था और कंपनी के शेयर्स की लिस्टिंग हो चुकी थी। कुछ दिनों के बाद जब कंपनी वाइंडिंग अप में गई तो मिस्टर एक्स से कॉल मनी डिमांड की गई। जब मिस्टर एक्स से कॉल मनी डिमांड की गई, क्योंकि जिस कंपनी का प्रोस्पेक्टस आया था, जिस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी, अब वो कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई। जब ये कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई तो मिस्टर एक्स से जब कॉल मनी डिमांड की गई, तो मिस्टर एक्स ने कहा कि कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट किया था। अब आप बताइए, क्या मिस्टर एक्स सक्सेसफुल होंगे? कोर्ट ने कहा नहीं, मिस्टर एक्स सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने ये शेयर्स कंपनी से परचेज नहीं किए थे, उन्हें फ्रॉड की नॉलेज थी, तो वो फ्रॉड से इन्फ्लुएंस नहीं हुए। उन्होंने वो शेयर सेकेंडरी मार्केट से, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज से, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से परचेज किए थे, इसलिए अब ही इज लायबल टू पे दी कॉल मनी। लेकिन जरा देखिएगा, अगर मिस्टर वाई ये केस फाइल करते ना, तो मिस्टर वाई जरूर सक्सेसफुल होते, क्योंकि उन्हें कंपनी के प्रोस्पेक्टस में जो मिस स्टेटमेंट था उसकी कोई नॉलेज नहीं थी, और उसके बाद उन्होंने कंपनी का शेयर खरीदा, और शेयर खरीदने के बाद अगर उन्हें लॉस होता तो वो कंपनी के ऊपर ये केस फाइल कर सकते थे कि आपने मुझे फ्रॉडुलेंटली शेयर बेचा है, जो कि आपके प्रोस्पेक्टस में जो इन्फॉर्मेशन थी वो इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं थी। तो मिस स्टेटमेंट में बेनिफिट कब मिलेगा? जब हम शेयर डायरेक्टली कंपनी से परचेज करेंगे और कंपनी के प्रोस्पेक्टस में क्या हो? मिस स्टेटमेंट हो। और उसका बेनिफिट तब नहीं मिलेगा जब हम शेयर सेकेंडरी मार्केट से खरीद रहे हैं। अगर आज मैं रिलायंस का शेयर खरीदूंगा ना, तो मैं रिलायंस के प्रोस्पेक्टस पे एलिगेशन नहीं लगा सकता, क्योंकि रिलायंस का पब्लिक इशू तो बहुत पहले आ गया था और बहुत पहले प्रोस्पेक्टस भी आ गया था। तो आज क्योंकि मैं रिलायंस का शेयर होल्डर बनूंगा, तो वो शेयर मैं सेकेंडरी मार्केट से खरीद सकता हूँ, इसलिए मैं अब रिलायंस के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकता। ये दो केस बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोस्पेक्टस के चैप्टर में, तो इन दो केसेस को अच्छे से पढ़िए, प्रिपेयर कीजिए और एग्जाम में अच्छा स्कोर कीजिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।